साल था 1960। चंबल के बिहड़ में एक डाकू का काफी बोलबाला था। नाम था डाकू मोहर सिंह गुज्जर। मोहर सिंह के नाम से चंबल घाटी थर्रा जाती थी। खौफ ऐसा था कि जो भी डाकू मोहर सिंह गुज्जर का नाम सुनता कांप जाता था। मोहर सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनका किसी से जमीनी विवाद था। इसकी फरियाद लेकर वो पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी तो मोहर सिंह बंदूक लेकर बिहड़ में कूद गए और डाकू बन गए। 1960 में फरार भाई 72 में भाई हाजिर, इनको 250-300 आदमी को गुरु और गरीब कन्याओं की शादी करवाता है। फरारी के टाइम समय पे मैगांव पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं और सब लोगों से बढ़िया। ये फरार हुए थे, क्या कारण रहा था फरार होने का? जमीन का विवाद आपसी घर पर। तो उन्होंने पुलिस से शिकायत नहीं की थी? पुलिस से शिकायत करी, पुलिस सुनते नहीं है, मकरण मजबूरी में फरार हुए। और अब इनमें जो फरार हुआ बिनसों में उनका राजीनामा आया था, वो भी आए दाह संस्कार। चंबल घाटी में रोबिन हुड के नाम से मशहूर मोहर सिंह का 92 साल की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया। मोहर सिंह लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। मोहर सिंह ने 12 साल तक चंबल घाटी में राज किया। उनके ऊपर 1970 के दशक में 2,00,000 और उसके गैंग पर 12,00,000 का इनाम पुलिस ने रखा था। मोहर सिंह गुज्जर पर लगभग 500 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। हालांकि 1972 में आत्मसमर्पण के बाद वो गाँव में रहकर खेती बाड़ी करते थे। इस दौरान वो राजनीति में भी आए, नगर पंचायत अध्यक्ष रहे। जनहित में मोहर सिंह गरीब बच्चियों की शादियां भी करवाते थे। आज पिताजी का सुबह इंतजार क्यों हो गया? कैसे होगा? 4-5 दिन से ज़्यादा तबीयत खराब थी। तो ये फरार हुए थे, किस वजह से फरार हुए थे? वो आप उसका विवाद था। कब फरार हुए थे? 1960 में। हाजिर कब? 72 में। और उन्होंने चुनाव भी लड़ा था क्या? 1994 में चुनाव लड़े, नगर पालिका अध्यक्ष बने निर्विरोध। अब क्या कर रहे थे, कैसे रह रहे थे? खेती बाड़ी कर रहे थे। और आज इस संकट की घड़ी में मैं तो व्यथित हूँ ही, लेकिन पूरे मैगांव क्षेत्र में शोक का वातावरण है। क्योंकि जैसा डकैतों के बारे में कहा जाता है, एक्चुअल में वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे, एक बेहद सामाजिक व्यक्ति थे, संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, सहज थे, सरल थे और सदैव समाज के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए काम करते रहे। और मैगांव की जनता ने इसलिए उनको नगर पंचायत का अध्यक्ष भी चुना। सर्व लोकप्रिय थे, सबके प्रिय थे और सबके चहेते थे, सबके दिल में स्थान रखते थे। ये आत्मसमर्पण के बाद अब ये घर पे रह रहे थे तो किस तरीके की अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे? एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह के फिल्मों में छवि दिखाई जाती है वो स्थिति नहीं थी। वो बागी जरूर थे और बागी वो होता है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है, लेकिन आत्मसमर्पण के बाद जिस तरह से उन्होंने जनहितैषी कार्य किए, जिससे वो हर व्यक्ति के चहेते बन गए थे। मुझे बुजुर्गों ने बताया था कि कई बार उन्होंने अनाथ बच्चियों की शादियां भी कराई, गरीबों की मदद भी की, हर वर्ग का ध्यान और ख्याल वो रखते थे। साल 1972 में मोहर सिंह ने अपने पूरे गैंग के साथ आत्मसमर्पण किया था। जयप्रकाश नारायण और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी के आह्वान पर मोहर सिंह यह कदम उठाया। मोहर सिंह को 8 साल जेल की सजा के बाद रिहा किया गया, तब से वो अपने गांव में ही रहा करते थे। बताया जाता है कि फिल्म शोले का 50-50 कोस जब कोई बच्चा रोता है वाला डायलॉग भी मोहर सिंह गुज्जर से ही प्रेरित था। भिंड से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट।